फ्रॉम एशियन लिटरेरी सोसाइटी, एशियन लिटरेरी बिल्कुल सर, सोसाइटी सेलिब्रेटिंग नवरस। जी बताइए। जैसा कि हर शाम हम आपके समक्ष आते हैं एक नए हुनर, एक नए मेहमान के साथ, तो आज हमारे साथ हमारी एक मेहमान हैं डॉक्टर मृदुला टंडन जी और शकील अहमद जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, नमस्कार मृदुला दी, नमस्कार शकील अहमद जी। आप हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको सुनने के लिए लोग बहुत इंतज़ार में हैं, बेताब हैं कि आप कब आएंगे और कब गज़ल सेशन शुरू होगा। और मृदुला जी को देख करके तो वैसे ही लोगों का एक एक होता है, एक झलक दिख जाए। तो मृदुला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप माशाल्लाह, आए अनीता हमारी जी इतना महफिल सब में कुछ कहेंगी तो वाकई में लोगों की एक्सपेक्टेशन जरा ज्यादा ही हो जाएगी। नहीं है, आपके साथ जुड़ी हैं। आप आए आ, आ, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह की हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। ये मुरदला दी और शकील अहमद जी दोनों के लिए मेरे ये अल्फाज हैं। आप आए हमारी महफिल में कुछ इस तरह चांद तारे झिलमिलाने लगे, देख कर दिल उनको झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। तो आप समझ सकते हैं इन अल्फाज बिल्कुल सत्य हैं, और ऐसे ही हमारी ऑडियंस और हम समझ रहे हैं। डॉक्टर मृदुला टंडन मेडिकल डॉक्टर हैं, आर द फाउंडर मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ साक्षी। आपने जो है साक्षी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने वुमेन के लिए बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। और जैसा कि आज आज के टाइम में जो कोरोना का टाइम है, उस समय जो जो मुश्किल का टाइम है, उस मुश्किल के टाइम में आपने जिस समय कहा जा रहा था कि आप घर बैठिए और बाहर नहीं निकलना है, उस समय डॉक्टर मृदुला टंडन जी ने बाहर निकलकर उन प्रवासियों और उन मजदूरों की इतनी मदद की है कि उसकी वजह से जो है वो अपने घर पहुंच पाए। जो कोरोना का जो एक प्रकोप था, जिसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी, जो भी इसमें सहयोगी रहे हैं, उनके लिए आपने पीपी किट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और उनको टिकट भेजकर उनको मतलब बहुत ज़्यादा मदद जो रिसेंटली, और आपका जो कोरोना से पहले, जस्ट पहले एक इवेंट रहा है जश्न हिंद। जो जश्न हिंद जो एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें तरह तरह के हुनर आपने एक ही प्लेटफॉर्म पर उतारे हैं, और उसमें आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि उसके पीछे आपने ऐसी संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को एक जगह दर्शाया है, इसके पीछे आपका क्या क्या आपकी सोच रही, क्या आपका आइडिया रहा। आप मुझे अगर हमारे दर्शकों को छोटा सा दो लाइन में बताएंगी, फिर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और गायकी पर आते हैं। तो मैं मृदुला सतीश टंडन जी से कहती हूँ कि आप अपने शब्दों में कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं कि दोनों ही, एक तो जश्न हिंद भी आपका बहुत पॉपुलर रहा, और अभी जो आप कोरोना में इतना सहयोग कर रही हैं सबका, उसके पीछे का आपकी क्या सोच है? अनीता जी, यकीनन काम तो बहुत हो गया, ऊपर वाले ने करवाया, मैं जरिया मात्र थी और हमारी जो साक्षी की टीम थी वो सारे लोग मेरे साथ थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को मदद देना या हर एक आदमी को राशन मुहैया कराना, हर चीज आखिरी लाइन पर अगर देखें तो वही आती है कि हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारी जो हिंदुस्तानी संस्कृति है, वो कहती है कि हर इंसान, हर जीव, हर वो चीज जिसके अंदर जिंदगी है, ऊपर वाले ने उसको बनाया है, मखलूक कहते हैं, उस चीज को आप इज्जत दें, एहतराम दें, उसके लिए वो सब करें जिससे कि उसको जिंदा रहने की सुविधा मिल सके। तो अगर मैंने कुछ किया है तो इसलिए नहीं किया है कि लोग मेरे काम को देख के सराहें, इसलिए किया है कि इस मिसाल को देख के वो जाने कि वो खुद भी सक्षम है, कर सकते हैं। आपकी थाली में तीन जी रोटी है तो
अगर आप आधी रोटी किसी को दे देंगे, आप भूखे नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरे की जान बच जाएगी। इसी जी नियत से हमने बहुत लोगों को राशन बंटवाया है, और मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि जिस जिसने मेरे काम के बारे में सुना, उन्होंने आगे बढ़ के हाथ मिलाया और अपनी हैसियत के मुताबिक सबने काम में मदद करी है। उसमें शकील अहमद साहब का भी मैं रोल आपको बताऊंगी कि ईद के टाइम जी सेवैयां बांटनी थी पुरानी दिल्ली में। जी हमारे कलाकार भाई लॉकडाउन के तहत बाहर निकल नहीं सकते, उनकी ट्यूशंस बंद हो गई हैं, उनके इवेंट्स नहीं हैं। ईद का मौसम, ईद में हर चीज खुशी की होती है, जी तो शकील अहमद साहब ने बहुत सारे घरों में ईद की खुशी को और ज्यादा रोशन कर दिया। बहुत सिवैया के एक पूरा ईद का पैक बनाया, जिसमें घी था, चीनी थी, खोया था, मावा था, सिवैया थी, दूध था, वो सब इन्होंने उन लोगों को पहुंचाया। ये भी साक्षी के प्रोग्राम के तहत ही था, लेकिन इसको करने वाले शकील साहब, जो बहुत आपने बहुत बताया सुंदर है। बहुत अच्छे और कलाकार। इसको करने वाले साक्षी लोग थे, मैं सिर्फ जरिया था, मेरे हाथ आप की बात बहुत नहीं थी। अच्छा, कई जुड़े ईश्वर जो है, ईश्वर जो है माध्यम बना के ही देते हैं कि हम एक दूसरे के सहारे ये नेक काम करते चलें। और जो आपका एक स्लोगन है, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना ये भी रहूं साधु भी साधु भूखा ना जाए, ये बहुत ही ना खूबसूरत, भूखा जाए। भूखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत ये लाइन है। तो खुदा वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ने की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। तो ये लाइन आपके लिए है, आपके साथ जो आपकी टीम है उसके लिए है। और अब हम जो हैं, जो हमारे दर्शक, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो गजल सुनने के लिए बहुत बेताब हैं। तो अब हम शकील साहब जी से कहते हैं कि वो अपना गायकी का हुनर सबके सामने लाएं और सबको खुश करें, इस शाम को हमारी खुशनुमा बनाएं। तो शकील अहमद जी इज एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड वर्सटाइल आर्टिस्ट, एडेप्ट एट ऑल जेनर्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ही इज ए कंसिडर्ड ए स्पेशलिस्ट इन गजल गायकी। तो गजल गायकी से आपका रिश्ता जुड़ चुका है, बहुत पुराना है, और आपकी एक किताब आ चुकी है, इस किताब आपकी एक एल्बम आ चुकी है, उसका नाम अगर आप ही बोलें तो ज्यादा अच्छा है कि मैं बोलती हूँ, देखो इनकी एक तो और एल्बम भी है जिसका नाम है सोच के मोती, और जी खुशखबरी ये कि जल्द ही तीसरी एल्बम भी आने वाली है। फिलहाल बहुत खूब खूब देखो तो से इनका नाम ऐसे जुड़ा है कि जहां जाते हैं वो उसकी देखो फरमाइश। तो तो आप आपका स्वागत है। आप अपना कुछ हमें इस गायकी से अनीता जोड़िए जी, हमारे सबसे दर्शकों को। पहले तो मैं आपके सोसाइटी का खैर मकदम शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हमें यहाँ मधु किया, और खुशकिस्मती यह है कि मोहतरमा डॉक्टर मिर्जा टंडन साहिबा के साथ सेशन है। सुबह से मैं ये सोच रहा था कि क्या बात करूंगा डॉक्टर साहब से, वो तो क्योंकि हर बारीकी से बात करती हैं। जब भी हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, कभी कभी हम सोचते थे कि इल्म नहीं है तो कुछ भी कह दो, लेकिन जब बातचीत की तो समझ में आया कि कुछ चीज हमें सीखने को मिल जाती है डॉक्टर जी मिर्जा टंडन साहब के साथ। और आपको बड़प्पन है, और आज आपकी मोहब्बत है ये कि आज हम लोग यहाँ पर एक साथ अच्छे से हैं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी चाहने वालों से, सभी दोस्तों से ये हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि ये कोरोना का वक्त है, सभी लोग घर पर सुरक्षित रहें और बहुत खुश रहें, और दुआ करें कि ये वक्त जल्द से जल्द खत्म हो ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ रूबरू मुलाकात कर सकें। और जो कि आज की शाम का मकसद है उसके लिए मैं हाजिर हूं। बताइए आप गजल में क्या सुनना पसंद करेंगे, मैं वही आपको शकील सुना। साहब, पहले तो आप इन हम सबको बताइए कि गजल, लफ्ज़ गजल क्या होता है। जी बहुत जरूरी है हमारे व्यूवर्स को ये जानना सुनने से और पहले। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मिर्जा जी, कि
ये सवाल बहुत कम सुनने को मिलता है। गजल के लफ्जी माने हैं माशूक से बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों से बातें करना। और माशूक तो मजाजी भी हो सकते हैं, हकीकी भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकता है, मजाजी भी हो सकता है, हकीकी भी हो सकता है। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप महबूब से महबूब कुछ तो मानते हैं। आप ऊपर वाले को महबूब मान सकते हैं, किसी खवातीन को मान सकते हैं, और खुदा को या मान किसी सकते किसी को भी मान सकते हैं आप। और फिर आपकी ये नजरिए पे बात चलती है कि आप तो जब शायर कोई गजल के कोई अशार कहता है तो कभी कभी हमें लगता है कि शायर ने गलत, ये शेर गलत कह दिया। लेकिन डिपेंड डिपेंड करता है कि उस शायर का उस वक्त मिजाज क्या था, वो क्या सोच रहा था, वो कौन सा शेर कब कह रहा है, क्यों कह रहा है। हर बात के अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं। हम उसको तशरीह जब करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, तशरीह करते हैं, उसका खुलासा करते हैं, तो अपने अपने अंदाज से उसका खुलासा करते हैं। आप मीर से लेकर आज तक लगा लीजिए कि किस तरीके से लोगों की क्या सोच होती है। आज तो गजल की गजल एक मॉडर्न अंदाज में भी आ गई है कि जो अब लोग पुराना अपना अलग जमाना अंदाज कर था सकते हैं। शकील साहब, जो रवायती गजल होती थी उसका भी जरा नमूना पेश करके हमको समझाइए कि पहले बेगम अख्तर के जमाने में किस तरह से गजल मशहूर हुई। जी, गजल के अलग अलग पहलू रहे हैं शुरू से ही। जब बेगम साहब का जमाना था तो उस वक्त छूट की गजल कहलाती थी। छूट की गजल वो होती है जैसे हमने मतला गाया गजल का, तो वो तबले के साथ मतला शुरू हुआ, फिर अंतरे के अंदर आपने नोट किया होगा, जब बेगम साहब का आप सुनते होंगे कि अंतरे में तबला रुक जाता है, एकदम अच्छा, खत्म हो तो जाती है। जी, मिसरा खाली उला के अंदर उनकी आवाज। जैसे उन्होंने ये गजल, मैं आपको बताता हूँ। हमारी किस्मत के विसार यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसार यार होता, अदरू जी तेरे अदरों जी तेरे ये। उसके बाद यहाँ तक रिदम चल रहा है, अंतरे में आप अपने तेरे बातें पर जे हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे बात पर जे हम तो ये जान झूठ जाना। अब ससानी ये खुशी से मैं जाते तो ये तो थी पुरानी रिवायती गजल। अब जी जब रवायती, आजकल मॉडर्न जमाने में कई लोग तो फ्यूजन में गाने लग गए हैं, जो कि ना गजल रहता है ना गीत रहता है, लेकिन अगर हम गजल को गजल के ही ढांचे में लेके आजकल के काम पे चलें, तो कुछ अपने काम के बारे में दिखाइएगा, जो इन्होंने अभी अनीता नहीं जी ने जिक्र किया, देखो तो की बात उस ये रही। एल्बम से कुछ। मैंने भी आपसे ये अर्ज किया कि गजल का अपने अपने दौर का एक अलग अलग दौर रहा है। जी उस वक्त का दौर रवायती गजल का। अब मसला ये आता है कि आप मार्केट में हैं, तो मार्केट में कौन सी चीज को किस तरीके से पसंद किया जा रहा है, क्या चीज चल रही है। जी अगर से आप उसी चीज को ट्रेंड को पकड़ के बैठ जाते हैं तो लोगों की समझ में, कि उस जमाने के अंदर लोगों के समझ में गजल नहीं आती थी, लोग गजल को बहुत स्लोली, के बहुत 8-10 लोग बैठे हुए कमरे में गांव तक के लगे हुए और मतलब गंगरीन मानते थे,
कि आपको अगर जो सोज हो रहा है आपके अंदर, कुछ आपको तकलीफ हो रही, तो आप गजल सुन रहे हैं। लेकिन आज गजल का ट्रेंड दूसरा है। आज गजल खुशी में भी बहुत अच्छी तरह सुनी जाती है, और मैं इसका क्रेडिट जो है जगजीत सिंह साहब को देता हूँ, अच्छा जिन्होंने गजल को आम किया है। कि आज एक रक्षा वाले की जबान पर भी अगर आप एक हल्का सा कहते हैं होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो, तो एक आम आदमी की समझ में गजल आ जाती है कि हाँ इसे गजल। अब और अगर आप ज्यादा संगीत में अपनी उन्होंने शोमैनशिप दिखाने के बजाय अल्फाज को प्राथमिकता दी। जी अल्फाजों को, लफ्जों को और शायरी को, देखिए गजल का जहां तक मेरा अपना मानना है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, कि मेरा अपना मानना है कि गजल गाई नहीं जाती, गजल पढ़ी जाती। जी बिल्कुल क्योंकि एक शायर अपना दिल शायरी निकालकर उस गजल के अंदर रखता है, उसके मोतियों को जो उसके लफ्ज हैं उसको मोतियों परोना एक कंपोजर के हाथ में होता है। वो कोशिश करता है कि उसको अच्छे से अच्छा मैं पेश करूं ताकि जी उसकी बात लोगों तक पहुंच जाए। एक तो देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि जो जगजीत सिंह साहब गजल गाते थे उनको गायकी नहीं आती थी, या जो भी इंसान गजल पढ़ता है उसे गायकी नहीं। मैं आपने मेहदी हसन साहब को कभी सुना हो तो मेहदी हसन साहब हमेशा गजल के बारे में कहते थे मैं फैज का कलाम पढ़ रहा हूँ, जी ना कि मैं जी फैज का कलाम गा रहा हूँ। जो गाने जी वाले हैं वो तो देखिए वो बहुत बड़े उस्ताद होते हैं, और उस्तादों का काम है वो उस चीज को करना। लेकिन लेकिन बाकी अगर गजल गजलकार की अगर गजल पढ़ने वाला गजल अगर जो पढ़ता है तो वो भी वहां से निकल कर आता है, उसको भी इल्म होता है कि हाँ स्वर की तमीज क्या है, कहाँ से स्वर आ जी रहे हैं। उस्तादों की खिदमत करने से ये फन आता है, इस जी तरीके से हो लेकिन जाए। मौसीकी के इल्म के अलावा उसको तलफ्फुज़, उसको इमोशन, उसको लिटरेचर, हर चीज की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो शायर ने बोला है उसके साथ कौन से रंग का राग और कौन से रंग की मौसीकी सूट करेगी, नहीं बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल गजलकार बिल्कुल नहीं रहा। तभी बिल्कुल वो कोई फील आपका फील डाल, क्योंकि मतलब जब उसमें जान डालना तक है। क्लासिकल की तमीज किसी भी इंसान को नहीं होगी तो जी वो गजल पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसको उसी राग में उनके गजलों के अल्फाज के तरीके से उसको उसमें ढालना है। तो उसको जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर मैं अक्सर बात करता हूँ ये वाली, कि आप उसको ले लीजिए उसकी फीलिंग्स क्या आनी चाहिए उधर की। आपने सुना होगा वो कदरनुमा गीत है, आज जाने किसे देना जी
बहुत खूब उम्दा, बहुत खूब बहुत फील बहुत के खूब साथ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जो अब आज ये फरीदा खानम साहिब मैंने पढ़ा, जैसे मेरे एक दोस्त हैं उनका एक कलाम था, अभी मैंने उसे कंपोज किया है। अंदाज की थी तो उसको उन्होंने कंपोज किया, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं उनका कलाम था। चांद के जैसे उसका चेहरा प्यारा लगता, चांद जैसे उसका चेहरा लगता, जैसे फूल प्यारा लगता, जैसे कोई गजल का जो नए अंदाज से मैं आपको सामने आश कर रहा हूं। चांद के जैसे उसका चेहरा प्यारा 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 लगता है, जैसे कोई न्यारा लगता। ये इमरान हाशमी साहब का कलाम है, तो मैं एक आपको ये आज गुजारिश है, कराऊं। जी कुमार बारा बंकुई का एक गाना आपने कंपोज करा था, गजल करी थी, जो बहुत पसंद है, वो जरा सुनने। अच्छा, मुझे बहुत पसंद है कुमार साहब, सभी को मैंने आज पसंद मैंने आजकल के माहौल पर ही उनको उनको कंपोज किया था। जी। एक सदी का मजा से पूछ, एक पल में एक सदी का मजा से पूछ, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। इसके कमाल की कोरोना गजल और कमाल की आपकी कंपोजिशन, के दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, कोई हंसकर गुजार रहा है, कोई रोकर गुजार रहा है, और कोई कैसे गुजार रहा है। आपने बहुत कोरोना सुंदर काल में कंपोज कुमार जी किया। मैं शेर सुना रहा हूँ आपको। जी। वो जान ही गए के हमें उनसे प्यार, वो जान ही गए के हमें उनसे प्यार है, आँखों की मुखबरी का मजा तुमसे पूछिए, आँखों की मुखबरी का मजा तुमसे
हाँ जी हाँ, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। अच्छा अनीता जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने जी याद कराया मुझे कि जो आपने एक नए अंदाज में गजल कंपोज करी है जो कुछ कुछ कॉलेज के लड़कों के मिजाज से भी मेल खाती है। जी अच्छा आप मेरे एल्बम देखो की बात कर रही हैं, मेरे मिजाज की आवाज भी तो बनती है। मैं जरूर सुनाता हूँ आपको। जी शुक्रिया। मेरे मिजाज की आवाज की पे बनती, मेरे मिजाज की आवाज। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि फरहत शहजाद साहब का कलाम है और मैं बहुत मानता हूँ, मैं बचपन से उनको सुनता हुआ आया हूँ, उनका कलाम मेजर सिंह साहब की आवाज में, और उन्हीं गजलों को सुनकर मैंने गजल पढ़नी सीखी, आज तक सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूंगा। तो एक जहन में बात थी कि यार ये फरहत शहजाद को ने जो अच्छे अच्छे शेर करे, एक पशु नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। और जब आई थैंक टू डॉक्टर मिर्जा टंडन साहिबा कि जब डॉक्टर मिर्जा ने मुझसे कहा कि फरहत शहजाद साहब के साथ आपको काम करना है, तो पूरी रात में सो नहीं पाया कि वो फरहत शहजाद जिन्होंने गुलाम अली साहब, मेजर हसन साहब, जगजीत सिंह साहब, लता मंगेशकर और सबके साथ काम किया, उनको उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ रोक लूं, फरहत शहजाद साहब किसी के साथ काम करना कबूल तभी करते हैं अगर उनका दिल कहे, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी की बात मानने की। लेकिन आपने उनकी काफी काफी जो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। अनिता जी गजल का ये था कि जब फरहत साहब ने मुझे गजल दी तो मैंने इसको देखा, मैंने मुझे लगा गजल नुमा गीत है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इसमें किशोर कुमार का अंदाज चाहिए क्योंकि मैं इसे बहुत आम चाहता हूँ कि इसमें होकर मैंने इसे कंपोज किया था, तो मैंने कोशिश की कि उसी अंदाज में से गा दूं। मैं क्या बताऊं कितनी अजीब, मेरे मिजाज की। और जो अक्सर होता है उसे खबर है, मैं कहकर कभी नहीं आता, उसे खबर कर कभी नहीं आता, मगर वो फिर इंतजार करती हूँ, मैं क्या बताऊँ कितनी अच्छी शकील साहब। ये ALS का जो प्लेटफॉर्म है इस पे बहुत सारे यंग परफॉर्मर्स आते हैं जो ये चाहत रखते हैं कि वो भी कुछ अपना दर्शा पाएं, उनके लिए जो खास तौर पे गजल समझते हैं या गाना चाहते हैं, एक तो बता दीजिए गीत गजल नज़्म में क्या फर्क है, और दूसरे की उनको एक आधी टिप तो दे दीजिए। यकीनन उनको गुरु तो कोई रखना पड़ेगा, लेकिन रास्ता ढूंढने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए कुछ उनको जरा एक आधी चीज बता दीजिए। जी बहुत जरूरी है। मैं इतना बड़ा उस्ताद नहीं हूँ कि मैं किसी को टिप दे सकूं, मैं खुद अभी लर्नर हूँ और सीख रहा हूँ और सीखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए, और जहां से मिलता है मैं वहां से ले लेता हूँ, उसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। अगर आपको आपकी अनिता जी आज भी इत्तेफाक देखिए, गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं सबसे पहले गुरुजनों को शत शत प्रणाम करता हूँ उन्हें और दुआ देता हूँ वो बहुत अच्छे से रहें मेरे गुरु, और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ हमेशा, उनका साया मुझ पर हमेशा बना रहे।
उनको दुआ मुझे रखे रहे। और देखिए मित्रा जी, ये मैं किसी को टिप्स क्या दूंगा, बस मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिगर का मुझे शेर याद आ रहा है कि नगमा वही है, नगमा के जिसको, नगमा वही है, नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए। जो चीज आपके मन को अच्छी लगती है, जो चीज आपके दिल तक पहुंच रही है, वो चाहे कैसे भी हो, किसी तरह हो, हम कभी कभी एक आम आदमी की आवाज से इतने मुतासिर हो जाते हैं जो सीखा हुआ भी नहीं होता और उसको ये नहीं पता होता कौन से स्केल से गा रहा है, क्या गा रहा है, लेकिन हमारे दिल को उसकी आवाज भी छू जाती है कि हम वहीं अपने कदम रोक देते हैं और उसको सुनने बैठ जाते हैं। अक्सर आपने देखा वो ट्रेन के अंदर आप सफर करती हैं, मैं भी सफर करता हूँ या कोई भी सफर करता है, वहां पर आप ये देखिए कि कितने मोहम्मद रफी, कितने किशोर कुमार, कितने मेहदी हसन, कितने गुलाम अली, कितने शकील अहमद, हर गली कूचे में, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में, ट्रक में, और कहाँ कहाँ मिलेंगे। बट लेकिन बस ये चीज है कि उस हीरे को तराशने वाला कोई जोहरी नहीं मिल पाता। जो आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, इतने बड़े बड़े उस्तादों को जानता हूँ जिनको जिंदगी में स्टेज में ऐसा नहीं हुआ, और उन लोगों की तालीम इतनी है कि वो आज भी मुझ जैसे ना सीखे को 50 साल बिठा के सिखाए तब भी मुझे कुछ नहीं आया। तो ये तो मैं मानती हूँ कि जो एक शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, वो तो ऊपर वाले ने कहीं भी बख्श दिया, ये किसी के हुनर से अलग ही बात होती है। हुनर अपने आप में एक फन है जो ऊपर वाला देता है, नवाजता है, उसके बाद शोहरत मिले, पैसा मिले, ये पब्लिक जाने ना जाने वो अलग बात है। फनकार का नापतोल पैसों से कभी भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कल्चर अपने आप में एक अलग इल्म है, बहुत मजबूत। बिल्कुल सही बात है। और जी, हमने आपको इसलिए आपको कहा कि आप अपने जो जूनियर से उनको बताइए, इसलिए कहा क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है, और जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ता है उसे काफ़ी बुनियादी चीज़ें पता होती हैं, उसको वो सब सुर और ताल का अच्छा ज्ञान होता है, और जो लोग बिना सीखे गाते हैं उनको वो उसकी बहुत ज़रूरत होती है कि वो सही से कैसे परफॉर्म करेंगे। मैं अपने जूनियर को नहीं, मैं अपने वो मेरे जूनियर नहीं, मैं उनका जूनियर हूँ, मैं उनको एक भाई के तरीके से, एक दोस्त तरीके से ये बता सकता हूँ। जूनियर की सीनियरिटी नहीं मानता मैं उस चीज को के भाई, सबसे पहली बात ये है कि गजल में लफ्ज गजल को, गजल का आदमी तो गजल की बात करूंगा, मेन सबसे अहम बात जो होती है लफ्जों की अदायगी है, कौन से लफ्ज को आप कैसे अदा कर रहे हैं, उसकी तकसीम क्या है, आप लफ्ज को कहाँ तोड़ रहे हैं। एक शेर है, हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, जनसर साहब का शेर बड़ा मशहूर शेर है। तो आप इस शेर को अगर वैसे पढ़ेंगे तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, लोग पढ़ते हैं कि हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह, इसकी तकसीम क्या होगी कि हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों का। जब तक आपकी गजल में, आपके पढ़ने के अंदाज में वो तकसीम तो सामने वालों को आप मुतासिर नहीं कर सकते जी। आपको कौन सी लाइन के अंदर कितनी फील देना है, आपको कौन से लफ्ज़ कितना, कौन से लफ्ज़ कितनी देर तोड़ना है आपको और कहाँ तोड़ना है। मेरे उस्ताद स्कूल में रहे, अनिता जी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे जिनको मैं बहुत मानता हूँ इस मामले के अंदर, जो मेरे उस्ताद बहुत अहम उस्ताद, वो अब इस दुनिया में रही हैं नहीं है, उनका नाम था AR कारदार, मेरे स्कूल में उर्दू के टीचर रहे हैं, आज मैं जो कुछ हूं मैं उनको अपनी उनकी वजह से अपने आपको मानता हूँ, उनकी दुआओं से मानता हूँ। जिस वक्त मैं स्कूल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करता था, अनिता जी मिर्ला जी आप सुने मेरी बात जी बिल्कुल, तो जब मुझे ट्रॉफी मिली फर्स्ट प्राइज की
तो मैं वो ट्रॉफी लेकर सीधा, उर्दू अकादमी कॉम्पिटिशन चल रहे थे, मैं सीधा पहुंचा फोटो स्टूडियो में उनके साथ साथ चलते चलते, और फोटो स्टूडियो में जाकर मैं फोटो खिंचवाने लगा शील्ड को लेकर। तो वो स्टूडियो में आए और आकर उन्होंने मुझे मतलब बाकायदा मेरा थप्पड़ मारा उन्होंने, और मैं इतना शॉक पड़ गया। मैंने बोला कि यार आज तो मुझे फर्स्ट टाइम मिला है और ये मुझे आज भी मार रहे, और क्यों मार रहे मुझे? तो उन्होंने मुझसे कहा ये आपकी मंजिल नहीं है, ऐसे पता नहीं कितने मकाम आएंगे और ये तुम्हारा मकाम नहीं, अगर तुम आज यहाँ ठहर गए तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओ। आज मैं उनके थप्पड़ की इतनी इज्जत करता हूँ, उसको उतना याद करता हूँ कि आज वो थप्पड़ नहीं होता तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठा। इसलिए गुरु जो है हमेशा साथ रहते हैं, आप जहाँ भी जाएं गुरु का जो आशीर्वाद है वो हमेशा साथ रहता है। बिल्कुल, और जितने लोग शकील साहब को गुरु मानते हैं, कईयों के तो मुझे भी मैसेज आए, आपको आज के दिन की गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, आपके सब शिष्यों की तरफ से, शागिर्दों की तरफ से खास तौर पर। शुक्रिया। और मृदरा दी को भी बहुत बहुत बधाई आज गुरु पूर्णिमा की, क्योंकि आपके भी बहुत सारे जो साक्षी है उसमें आप जितना भी काम करती हैं, जो भी नेक काम करती हैं, वो एक एक गुरु ही कर सकता है जो निस्वार्थ। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। और शकील साहब जी आप कुछ नया और कुछ सुना दीजिए कुछ, क्योंकि टाइम इसमें आपने टाइम पूरा 40 मिनट्स का होने वाला है, तो मैं अपनी एल्बम का देखो तो का टाइटल आपको जरूर सुनाऊंगा। हाँ वही हम कुछ ऐसा सुनाइए जो जाते जाते भी लोग अभी हमारे पास टाइम है ना गुनगुनाते। जी 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 बस आप सुनाइए। आप सुनाइए। जरा साप से बाहर निकल देखो तुम, जरा सा आप से बाहर निकल देखो तुम, मैं जिंदगी मेरे साथ चल। देखिए मैंने यहाँ पे चाल बताई है, जो लफ्ज है वो चल के देखो चाल है। तो मैं जिंदगी मेरे साथ, अनिता जी पहले चाल स्लो होगी, चल अब चाल थोड़ी तेज होगी, चल चाल थोड़ी और तेज होगी, चल देखो 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 जरा सा। और आजकल के मौजूद हालात पे शेर है ये, मैं एक जिंदा हकीकत हूँ कोई ख्वाब नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई ख्वाब नहीं, मैं एक जिंदा हकीकत हूँ कोई ख्वाब नहीं। मैं जिंदा हकीकत कोई ख्वाब नहीं, जरा सा प्यार से ये, जरा सा प्यार से आँखों को देखो तो मैं जिंदगी
बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि मैं इस मामले के अंदर लक्ष्मी चंद्र वर्पे जी को बहुत अच्छा मानता हूँ। मैं अभी देखिए दुनियावी एतबार से उन्होंने इतना अच्छा मुझे कलाम दिया, मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनका कलाम पढ़ा, मेरे एल्बम कोर्स के मोती में उनका है कि एक जो हकीकी जिंदगी जिसे हम कहते हैं कि एक परिवार, जहाँ से मैं खुद ताल्लुक रखता हूँ, करके एक रूम के अंदर 10 लोग हैं और सबकी अलग अलग जिंदगी होने वाली है, कोई पढ़ाई करना चाहता है, कोई टीवी देखना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है। तो वाजपेयी जी ने मुझे कलाम दिया उनका था, आपने सुना होगा कि पूरा परिवार एक कमरे, बहुत पसंदीदा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, पूरा परिवार परिवार एक कमरे में, कितने संसार एक कमरे। बहुत खूब शोर गुल नींद पढ़ाई टीवी, शोर गुल नींद पढ़ाई टीवी, रोज तकरार एक कमरे। बहुत कम, बहुत सुंदर, बहुत। मैं इस बारे में कहूंगी कि हिंदी में जो गजल आती हैं, हिंदी उर्दू मिश्रित में, जो खालिस उर्दू नहीं, वाजपेयी जी ने बहुत कमाल का लिखा है। एक नाम और वाजपेयी जी के साथ जुड़ा भी है, लोग जानते भी नहीं पूरी तरह से, ममता किरण जी का, उनकी भी जी, जी, उनकी जी। सोच से जो गजल निकलती है वो समाज के ऊपर टिप्पणी करती, बहुत बहुत अच्छा मैंने पढ़ा जी। और उनका एक शेर जो है, जो मैंने गजल उनकी पढ़ी है, उसका एक शेर है कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ। जी जी, जी बहुत मार बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। बहुत खूबसूरत, आज आपने हर एक परिंदा हर एक जीव आस में बैठा है। अनीता जी, आपके माध्यम से मैं सबको याद कराना चाहूंगी कि ये आस ना टूटे, आपके पास जो है जरा सा शेयर कर लीजिए, लोगों के साथ बांट लीजिए। आप सोचते हैं आप अकेले हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो भी आप बहुत सक्षम हैं। आप पानी डाल दीजिए बाहर चिड़ियों के लिए, जानवरों के लिए, आप अपनी सोसाइटी के गार्ड भैया के लिए कुछ कर लीजिए, अपने घर में जो काम वाले आते हैं उनके लिए कुछ करिए, जो अखबार वाला जो पहले धोबी था लेकिन अब कोई प्रेस नहीं कराता है, मोची है जिससे अभी कोई निकलने के लिए कॉलोनीज में नहीं घुसने देता, उन सब की तरफ ध्यान दीजिए, अकेले ना रहने दीजिए इन लोगों को। ये हमारे समाज का जरूरी है, बड़ा फ्रेमवर्क है, हिस्सा है, कल ना रहे तो हम लोगों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। हमको ये जो मुश्किल वक्त है मिलकर गुजारना है, जिसके लिए एक नाज़िम नक़वी का बहुत अच्छा मिसरा है, मुश्किल वक्त है कट जाएगा, खौफ का ये बादल छट जाएगा, यकीनन रहे तो खौफ का कोई बादल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बहुत सही, बहुत अच्छी आपने बात कही, और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो सुन रहे हैं और बहुत कुछ लोग अमल भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जैसे भूल जाते हैं, तो इस तरह की टॉक बहुत ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर देंगे, ये पॉजिटिव हमारी मीटिंग है, उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। और मुझे अब टाइम जो है, जो वक्त है, वो अपनी टिक टिक घड़ी जो घूम रही है, तो मुझे मन तो नहीं है कि आप लोग के साथ लगता है अभी और वक्त गुजारा जा सकता है। हम लोग ने अभी कुछ सुना और अभी तो ये इंट्रोडक्शन था एक तरह से, लेकिन वक्त के साथ हमें चलना पड़ेगा। और बहुत अच्छी शाम आपने बनाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर मृदुला तंदन जी, आपका एलएस का, आपकी सोसाइटी का हरदम करते हैं, शुक्रिया करते हैं। मृदुला जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे अच्छे सवाल मुझसे पूछ लिए, जवाब दे दिया। तो जो हमारी एशियन लिटरेरी सोसाइटी के जो फाउंडर हैं मनोज कृष्णन, उनकी तरफ से, टीम की तरफ से, मैं आप मृदुला टंडन मैडम का और शकील अहमद सर दोनों, आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारी शाम को आपने
बहुत अच्छा, एक खूबसूरत मोड़ दिया, बहुत सुंदर। मैं चंद पंक्तियां आपके लिए बोलना चाहूंगी। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, कुछ लोग जिंदगी में मिलते हैं ऐसे, जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। वो रिश्ता बात हमारा है ठीक और रहेगा। तो थैंक यू सो मच, आज की शाम और शब्द आपने कहना हमारे, चाहूंगी मनोज कृष्णन के लिए और आपके लिए। आप लोगों की जो पहल ALS की है, बहुत मुबारक, बहुत सक्षम रहे, बहुत दूर तक जाए, कामयाब रहे। और आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। और शकील जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुल्ला जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी बहुत एल्बम बहुत ऐसी आती शुक्रिया। रहें और हम नई नई गजल सुनते रहें। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे, कहीं ना थैंक कहीं जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू।